तो वहाँ पे जो डिस्काउंट की बात होती है वो बोल रहा है कि इट शुड बी इफेक्टेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ सेल अग्रीमेंट. तो मेरी एक पार्टी है, उसका कपड़ों का काम है, वो रेडीमेड गारमेंट के होलसेलर है, डीलरशिप है. तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, माल बेच देती है, फिर दो या तीन महीने बाद जब एंड ऑफ सीजन सेल चलता है तो वो डिस्काउंट देती है, जो कि रिटेलर को शिफ्ट करना होता है हमें डिस्काउंट. उस पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम अब हमने ऑलरेडी ITC लिया हुआ है ज्यादा का, या तो डेबिट नोट इशू करें वो हमें, डेबिट नोट नहीं क्रेडिट नोट, सॉरी क्रेडिट नोट इशू करें वो हमें. तो इसमें प्रॉब्लम ये रह जाती है कि दिक्कत रहती है हमें. हाँ मैं बता दूँ सर, इनका क्वेश्चन समझिए, इनका क्वेश्चन ये है, जो आजकल थोड़ा सा झंझट चल रहा है ना फाइनेंशियल क्रेडिट नोट का, ये वो इनका क्वेश्चन है. इनका क्वेश्चन क्या है, मैंने साहब से माल खरीदा 1 करोड़ रुपए का, इन्होंने 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए GST लगा के दे दिया, मैंने उसका ITC ले लिया. अब साहब ये कहते हैं कि भाई ये 1 करोड़ का माल ना मैं तुझे डिस्काउंट पे देता हूँ, तूने क्वांटिटी अचीव करी, अब मैं तुझे डिस्काउंट देता हूँ. तो साहब ने क्या करा, 10 लाख रुपए का मुझे एक क्रेडिट नोट दे दिया. जो सर ने क्रेडिट नोट इशू करा, जो डिस्काउंट दिया क्रेडिट नोट इशू करा, तो सर ने क्या करा, 15-3 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा. सर ने कहा अपने को क्या टेंशन है, अपने ने तो 1 करोड़ पे टैक्स जमा कर दिया, 10 लाख रुपए पे अपने को टैक्स चाहिए ही नहीं वापसी, क्योंकि हमने तो किससे ले लिया था वो 1 करोड़ पे टैक्स, सप्लायर से, रिसिपिएंट से. तो ये 10 लाख रुपए का क्रेडिट नोट डाल देते अपनी बुक्स में एडजस्ट करने को. अब वो 10 लाख रुपए का जो वो क्रेडिट नोट है मेरे यहाँ पर आ जाता है, मुझे कायदे से क्या करना चाहिए, वो परचेज में से लेस करना चाहिए. लेकिन चूंकि उस परचेज में से मैं लेस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उस पर GST नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, उसे इनकम में डाल देता हूँ. इनकम में डाल के जैसे ही मैं PNL सबमिट करूंगा, तो ये ध्यान रखना कल को चिट्ठी आएगी और चिट्ठी में यह लिखा होगा कि बताओ क्यों ना इस 10 लाख की इनकम को, क्यों ना इस 10 लाख रुपए की इनकम को एज पर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट तुम्हारी सप्लाई माना जाए. मैं कहूंगा कैसे मान लोगे सप्लाई, ये सप्लाई है ही नहीं. तो डिपार्टमेंट मुझे ये बात बोलेगा कि कपिल इसमें तो तू गेम प्ले कर जाएगा अगर मैंने इसे सप्लाई नहीं माना तो. उन्होंने कहा कैसे गेम प्ले कर जाएगा, मैंने कहा मैं बताता हूँ. सर ने 1 करोड़ रुपए का बिल दिया मुझे, 1 करोड़ का बिलिंग का काम चल रहा है एक समझ में, 1 करोड़ का सर ने बिल दिया, 18 लाख रुपए GST, सर को सिर्फ GST पास ऑन करना था मुझे. तो मैंने यहाँ पर 1 करोड़ का क्या ले लिया, ITC, बोलो जी, मैंने ITC ले लिया, लेकिन मुझे पेमेंट नहीं दे रहा मैं सर की. तो सर क्या कहते हैं, अबे यार अपने को तो ITC ट्रांसफर करना था ना, ऐसा करता हूँ मैं तुझे 1 करोड़ का क्या दे देता हूँ, क्रेडिट नोट. साथ में क्या दे देता हूँ तुझे, 1 करोड़ का दे देता हूँ क्रेडिट नोट. इन्होंने 1 करोड़ का क्रेडिट नोट दिया, मैंने उसे एंट्री कर लिया. तो गवर्नमेंट कहती है हमारे को क्या पागल समझा है, इस तरह की ट्रांजेक्शन को तुम्हें रूट करा दे, हम तो इस 1 करोड़ को तुम्हारी क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे. और ये ध्यान सुनो, सप्लाई मानकर तुमसे टैक्स लेंगे और सामने वाले का ITC मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड जा चुका होगा. इस केस में करना क्या है, प्लीज सर, इस वाले केस में करना क्या है, अगर ऐसा कोई आपका सप्लायर है उससे हाथ जोड़ के बोलो, उससे हाथ जोड़ के बोलो कि भैया अगर तू इतना दानवान बंदा है ना, डिस्काउंट दे रहा है, तो क्रेडिट नोट सही वाला दे, GST का ट्रीटमेंट करके दे, अदरवाइज नहीं तो मैं तो उसे इनकम में लूंगा और उस पर मैं क्या जमा करूंगा, GST, क्योंकि या तो मैं उसका ITC रिवर्स करता, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना सर, या तो मैं उसका ITC रिवर्स करता अगर वो क्रेडिट नोट देते, अदरवाइज मैं इसे क्या मानूंगा, सेल मानूंगा, इस पर GST जमा करूंगा. तुझे ITC लेना है तो तू ले, तुझे नहीं लेना मत ले. क्लियर हुआ या नहीं, और कोई क्वेश्चन? जैसे सीमेंट के व्यापार, हमारा एक क्लाइंट है वो सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसके पास जो बिल आते हैं एक ही कंपनी का माल वो खरीदता है, तो अभी दिसंबर दिवाली के टाइम पे अक्टूबर के महीने में 180 क्रेडिट नोट कंपनी ने 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक के जारी कर दिए. डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट. और उसने क्या किया कि हर क्रेडिट नोट को एक बिल के साथ में लिंक किया, इस बिल के लिए आपको 600 रुपए दिए जा रहे हैं, और 600 के साथ में उसने उसका GST भी लगाया. तो जो उसने क्रेडिट नोट जारी किया तो उससे तो मेरी ITC कम हो गई, बिल्कुल. लेकिन चूंकि उसने 700 रुपए के ऊपर और GST भी 28% लगाया सीमेंट पे, तो उसका तो मुझे
कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि 700 प्लस जीएसटी, उसने मुझे क्रेडिट नोट दे दिया और मैंने उसका जीएसटी जमा करा दिया क्योंकि मेरे जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ गई। बिल्कुल। लेकिन अब जो उसने मुझे मान लो 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए क्वार्टरली जो टारगेट इंसेंटिव है वो सब कुछ देता है, उसके ऊपर वो कोई जीएसटी का देता नहीं है, तो वो उनका ट्रीटमेंट। सर मैं जो जो सर का क्वेश्चन था ना सेम वही ट्रीटमेंट वही तो नहीं तो सर वो जो सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए कंपनी क्या है अपने आप को सेफर लेके चल रही है, बड़ी कंपनी वही बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, सर सेम कर रही है मोबाइल कंपनी सब यही कर रही है सर, उनका उनका कुछ नहीं आएगा क्या कंपनी को नोटिस नहीं आएगा इस पर ना उसे क्या आना है, अरे अरे गवर्नमेंट का तो मजे है इस केस में, गवर्नमेंट का तो मजे है इस केस में, गवर्नमेंट को टैक्स कितने पे मिल गया पूरे पे, गवर्नमेंट को तो टैक्स पूरे में मिल गया ना, तो गवर्नमेंट उसे नहीं देगी वो तुम्हें देगी कि तुम्हें ITC रिवर्स करना था। अब आप एक चीज मानो ना मेरी बात को, जब आपने 1 करोड़ की परचेज करी तुमने ITC कितने पे लिया, 1 करोड़ पे, सामने वाले ने टैक्स कितने पे दिया, 1 करोड़ पे। अब अगर 10 लाख का इस तरह का क्रेडिट नोट है गवर्नमेंट का रिवेन्यू लॉस कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू लॉस कुछ नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको टैक्स प्लानिंग बताई है एंट्री रूट वाली सिर्फ उसे बंद करने के लिए कल को वो तुम्हारी सप्लाई मान सकती है। वो ये कहती है कि तूने जब परचेज में डाला था 1 करोड़, ITC कितने का लिया था, 18 लाख का, अब तूने उसे कितने का कर दिया, 50 लाख का, यार 1 रुपए का इधर इनकम में दिखा दिया तो नेट ऑफ ही कर दिया ना तूने, तो मैं तुझे उसका ITC क्यों दूं, क्योंकि वो सेक्शन 16 की बेसिक कंडीशन पे आ जाएगा, क्योंकि कोई भी गुड्स और सर्विस का ITC तब मिलता है जब वो मेरे बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो, और वो वाला जो अमाउंट है वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज हुआ ही नहीं। सर आप ना 1 करोड़ पे ना 3-4 लाख मत समझो, इस एंट्री को 1 करोड़ पे 1 करोड़ ही मान के चलो, फिर आप बताओ जस्टिफाई कर पाओगे या नहीं, और जब आप 1 करोड़ पे 1 करोड़ को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो सेम कंसेप्ट 1 करोड़ पे 3 लाख पे भी लगेगा। मेरे पॉइंट को क्लियर है सर, मैं आपको वो जो चीजें है ना मैं सर आगे की बता रहा हूँ, आगे की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 16-4 हमने 2 साल पहले बताया था लोगों को, किसी ने नहीं माना। तो सर जो लो है उसे लो के हिसाब से फॉलो करो, बड़ी कंपनी के हिसाब से फॉलो ना करो, और अगर करो तो उसे मेल पर लिख लो क्योंकि कल को गर्दन तुम्हारी जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा सर कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं जैसे 1 करोड़ का हमें बिलिंग कर दिया, तो हमसे कहेंगे कि इस माल को आप जो है 90 लाख में बेच दो, तो हम तुम्हें 10 लाख का क्रेडिट नोट दे देंगे लगता है, उसमें क्या कंडीशन, फिर वही लो, फिर वही लो जीएसटी वाला लो उससे, जीएसटी तो हमें वो रिवर्स करना पड़ेगा ना जीएसटी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये हमारी साइट आप नोट कर लीजिए fintechsolution.in, इस साइट पर जाने के बाद आप fintechsolution.in पर जाएंगे और यहां पर जाने के बाद आप अपनी क्वेरी इंक्वायरी कॉर्नर पर जाकर पूछ सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की। अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द रिप्लाई चाहिए और इसके साथ साथ डिटेल रिप्लाई चाहिए तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं जो हमारी GST प्लेटफॉर्म के साथ कोलाब्रेशन में है। घर बैठे GST एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस ले सकते हैं जिसमें हमने लगभग 90 से 95 घंटे का कोर्स आपको दिया है, उसके अंदर अगले 6 महीने तक अगले 12 महीने तक हम आपको अपडेट्स भी देते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लेते। पेन ड्राइव देखते समय अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम वो क्वेरी भी आपकी शॉर्ट आउट कर दे।